बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ एक अपनी पहली वीडियो में जिसमें मैंने आपको करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है सितंबर 2021 सेशन के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर विद स्कॉलरशिप डिटेल्स के साथ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किए थे। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन कंटेंट मैंने स्टार्टिंग के ऊपर वीडियो के मैंशन किए थे, उनमें से सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आज जो है वो कुछ पॉइंट शेयर करूँगा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन MBBS और MD प्रोग्राम फ्रॉम ईरान एंड विच वन इज़ बेस्ट MBBS और MD फ्रॉम ईरान। क्योंकि अभी के हवाले से अगर देखा जाए तो PMC की ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन कंट्रीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज की हैं सब की सब, चाहे वो ईरान के हवाले से देखा जाए या किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री जिसमें यूक्रेन, रशिया, चाइना, कर्गिस्तान, कजाकिस्तान जितनी भी हैं सब की सब MD प्रोग्राम के हवाले से रिकॉग्नाइज की हैं। तो क्या अगर एक स्टूडेंट ईरान से MBBS प्रोग्राम करता है तो उसको क्या कोई मुश्किलात हैं या MD बेहतर है या क्या करना चाहिए, तो वो सब का सब जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आप लोगों के साथ आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलें अपनी वीडियो का एक बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। इसको एंड तक देखना है, लाइक एंड शेयर इस वीडियो। मैं थोड़ा सा टच दूंगा जी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले मैंने आप लोगों को मेंशन किया, मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जाकर वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का मकसद यह, क्योंकि जो मैं आज बाकी जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा उसके लिए उनको समझाने के लिए मुझे ये चीज़ थोड़ा सा टच देना पड़ेगा आपको। MBBS और MD में फ़र्क क्या है? MBBS और MD में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों के जो कोर्सेज़ हैं दोनों के सेम हैं। जो क्रेडिट्स आपके लिए सिलेक्ट होंगे, जो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा जो भी स्टडी के लिए मटीरियल मतलब के पढ़ेगा स्टूडेंट, MBBS का और MD प्रोग्राम का जो कोर्स है दोनों का सेम है, ठीक है जी। सिर्फ एक ड्यूरेशन का फ़र्क है, MBBS जो है जी वो 5.5 ईयर्स का है और जो MD है वो 7 ईयर्स का है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी लिखती 7.5 ईयर्स का है, कुछ 7.5 ईयर्स लिखती हैं, कुछ 7 ईयर्स लिख देती हैं, ठीक है जी। बट जो एक एवरेज में अगर देखा जाए तो वो 7 ईयर्स है जो एक स्टूडेंट कंप्लीट करता है। एवरेज में जो डिफरेंस आता है वो रिसर्च वर्क में आता है, एक स्टूडेंट का रिसर्च वर्क में जो है वो स्टूडेंट कितना टाइम ले रहा है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा टाइम लेगा तो उसको फिर जो है वो 7.5 ईयर्स में अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा MD प्रोग्राम की। अगर एक स्टूडेंट जो है वो रिसर्च वर्क में कम टाइम ले रहा है, अगर जल्दी जल्दी उसको पब्लिश करवा लेते हैं, तो फिर जो है उसका 7 ईयर्स का जो है ना वो ड्यूरेशन बनेगा MD प्रोग्राम का, ठीक है। रिसर्च जो है आपको MBBS प्रोग्राम में भी करनी पड़ेगी, आपको MD प्रोग्राम में भी करनी पड़ेगी। और MBBS और MD प्रोग्राम दोनों सेम है, 5.5 ईयर्स का जो MBBS प्रोग्राम है उसमें आपकी रिसर्च शामिल होगी और वही जो रिसर्च है वही MD प्रोग्राम का भी पार्ट होगी। इसके अलावा MD में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होगी कि आपको अगर आप ईरान में पढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेरा जो मेन फोकसिंग पॉइंट है वो ईरान के हवाले से है, तो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी प्रैक्टिस का आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ हाउस जॉब इंटर्नशिप इन ईरान के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करेंगे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हैं, PMC से रिकॉग्नाइज हैं, जो भी हॉस्पिटल्स उनके साथ एफिलिएट करेंगे उसमें जब स्टूडेंट हाउस जॉब करेगा, इंटर्नशिप करेगा, तो उसके बाद जो है उसको MD की डिग्री मिलेगी 18 मंथ्स ऑफ हाउस जॉब। सिर्फ MD और MBBS में ये फ़र्क है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है जी, तीसरा जो मेन पॉइंट है जी, बेस्ट कौन सी चीज़ है जी, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, MD प्रोग्राम इज़ बेस्ट और MBBS बेस्ट। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ कि अभी के लिए बेहतर है एक स्टूडेंट के लिए कि वो MD प्रोग्राम जो है ना वो अप्रोच करे। ईरान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहता है स्टूडेंट तो MD प्रोग्राम को अप्रोच करे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PMC ने रिकॉग्नाइज की हैं सब की सब MD प्रोग्राम के हवाले से रिकॉग्नाइज की हैं अभी, ठीक है। MBBS का जो प्रोग्राम है उसका मैं चीज़ बताऊँ जी आपको, PMC से भी रिकॉग्नाइज नहीं है, ईरान की मिनिस्ट्री से भी रिकॉग्नाइज नहीं है, अंडर वेरिफिकेशन है। बट इंशाल्लाह कुछ आने वाले टाइम में उम्मीद है इंशाल्लाह के रिकॉग्नाइज हो जाएगा और PMC से भी हो जाएगा, ठीक है जी। बट अगर एक स्टूडेंट बेस्ट जो है वो MD प्रोग्राम है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो अभी रिकमेंड जो करता हूँ वो MD प्रोग्राम रिकमेंड करता हूँ। बट अगर एक स्टूडेंट MBBS प्रोग्राम में भी एडमिशन ले रहा है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये PMC के रूल एंड रेगुलेशंस रोज़ाना जिसको कहें कि कुछ दिन बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता, कभी कुछ कह देते हैं कुछ, कभी कुछ, मिनट के ऊपर जिसको कहें यूटर्न लेती है हमारी हुकूमत जो है। तो अभी एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है, 5 to 5.6 ईयर का भी ड्यूरेशन है एक स्टूडेंट के पास, उसमें पता नहीं कौन कौन से नए हुकूमत कौन सी आएगी और क्या एक जो भी आपके लिए
लाइसेंसी के क्या क्या पाथवेज आपको फुलफिल करना पड़ेंगे, बट अभी के बारे जो मैं डिस्कस करूँगा जो अभी पीएमसी ने दी है, बट आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर एक स्टूडेंट एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है तो फिर भी कोई जिसको कहें खतरे वाली बात, नुकसानदेह चीज़ इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेता है और अगर खुदा ना खास्ता उस टाइम भी पीएमसी के यही रूल रेगुलेशन हुए और अभी अगर उस टाइम एमबीबीएस जो है वो पीएमसी से और ईरान की मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज ना हुआ हुआ, तो फिर एक स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी को कहेगा अपनी यूनिवर्सिटी को कि मैं अपना प्रोग्राम आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ एमबीबीएस से एमडी में, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले एक चीज़ मेंशन की है, दोनों के जो कोर्सेज़ हैं एमबीबीएस और एमडी प्रोग्राम में, जो आपका थ्रेटिकल और जो आपका क्लिनिकल पार्ट है उसमें, दोनों में सेम है। जो आपका एजुकेशन के साथ जो रिलेट करेगा ना, जो एजुकेशन का जो क्लिनिकल पार्ट है, एजुकेशन का मैं इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, एजुकेशन का जो आपका क्लिनिकल पार्ट है, जो आप एजुकेशन में आपका क्लिनिकल पार्ट होगा, वो एमबीबीएस और एमडी प्रोग्राम दोनों का सेम है। सिर्फ एमडी में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपकी है इंटर्नशिप हाउस, जो एक्स्ट्रा जो आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे अच्छा प्रैक्टिशनर बनने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। तो अगर एक स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा है तो अपनी डिग्री को आगे शिफ्ट भी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं करेगी पीएमसी, ठीक है जी। सॉरी मैंने पीएमसी बोल दिया जी, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी जाना इसमें कोई इशू नहीं करेगी, अगर अपना एक स्टूडेंट जो है अपना एमबीबीएस के प्रोग्राम को जो है वो शिफ्ट करना चाहता है एमडी प्रोग्राम में। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन और कर दूँ कि सबसे पहले मैं खुद करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे मैं एमबीबीएस प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं वहाँ से एमडी नहीं कर रहा। मेरे साथ जितने भी मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो सब के सब एमबीबीएस प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ईरान के हवाले से अगर देखा जाए, वहाँ से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो एमबीबीएस प्रोग्राम के हवाले से वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं अगर पीएमसी सेप नहीं करती। एट द करंट सिचुएशन देखा जाएगा, जब एक स्टूडेंट एनअल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहेगा, अगर देना चाहेगा, जब उसकी डिग्री एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम देखेंगे एक स्टूडेंट डिसाइड करेगा। स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कहेगा जाके अपनी यूनिवर्सिटी को दोबारा से अगर पीएमसी सेप नहीं करती, जिसमें मैंने पहले मेंशन किया है, तो यूनिवर्सिटी का जो है प्रोग्राम आगे एमडी प्रोग्राम में शिफ्ट कर देगी, यानी कि उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम में एंटर कर देगी और स्टूडेंट वहाँ से ईरान से इंटर्नशिप कर लेगा, फिर अपनी जॉब कंप्लीट कर लेगा। बाकी दूसरी जो मेन चीज़ है, अगर आप ईरान के वाले से देखें हैं, दूसरे की जितने भी कंट्रीज़ हैं फॉरेन, जितने भी कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, यूक्रेन, सब के सब जितनी भी यूनिवर्सिटी जो पीएमसी ने रिकॉग्नाइज की है, मैंने पहले मेंशन किया है, एमडी के हवाले से की है, यानी कि आपको वहाँ से उस फॉरेन कंट्री से पीएमसी जो चाहती है, जो पीएमसी जिस चीज़ की डिमांड कर रही है, वो ये कर रही है कि आप वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक फॉरेन कंट्री के लोकल जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे वो स्टडी करते हैं, जैसे वो लाइसेंस लेते हैं वहाँ से उस कंट्री से, जो भी उसकी मिनिस्ट्री है उससे, जैसे ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो अपने स्टूडेंट्स को, लोकल स्टूडेंट्स को एक लाइसेंस देती है आफ्टर इंटर्नशिप के बाद, तो वैसे वो डिमांड कर रही है पीएमसी जो है। तो अगर किसी भी कंट्री से आप करेंगे तो आपको एमडी करना पड़ेगा, बेस्ट ये है कि आप एमडी में एडमिशन लें, बट अगर आप एमबीबीएस में ले रहे हैं, कुछ मैंने मेंशन किया कि पॉलिसीज का कुछ भी पता नहीं है, क्या जो है नए रेगुलेशंस रूल्स, क्या नई पॉलिसीज पीएमसी देती है, क्या निकालती है स्टूडेंट के लिए, तो वो एट द टाइम देखेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, 5 से 6 साल का ड्यूरेशन पड़ा है, बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उम्मीद है कि एमबीबीएस जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी, इसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ एमडी और एमबीबीएस के डिफरेंस के हवाले से, कि जो एमबीबीएस है वो जितनी भी एशियन जो स्टेट्स हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एमबीबीएस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, इट मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बट एमडी जो है जितनी भी इंग्लिश जो स्टेट्स हैं लाइक अमेरिका जो है, जिसमें आप कह दें इंग्लैंड है, उसमें जितनी भी हैं वो सब एमडी इस चीज़ को कंसिडर करती हैं, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी साथ होती है। बट अगर आप पाकिस्तान से भी करते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको पहले अपनी डिग्री करना पड़ेगी, फिर इंटर्नशिप जिसको कहें हो, जब आप पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी मस्ट है। बाकी इसके अलावा कुछ आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है पीएमसी के जो लाइसेंसिंग पाथवेज हैं फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से, स्पेशली उसमें मैं जो मेरा मेन फोकस होगा वो ईरान के हवाले से होगा, उसकी मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, कंप्लीट डिटेल्स उसकी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से लाइसेंसिंग पाथवेज हैं। अगर लिस्ट ए में है कंट्री, यूनिवर्सिटी अगर लिस्ट ए में है, या कंट्री जो है वो लिस्ट वन में है, लिस्ट टू में है, तो उस हवाले से क्या आप लाइसेंसिंग पाथवेज बनते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करना पड़ेगी पीएमसी की, क्या आपको पाकिस्तान में जॉब करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी, सब की सब जो डिटेल है मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा इज एमडी इज इक्वल टू एफसीपीएस और नॉट,
इसकी भी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। बाकी आप मुझे दें इजाज़त, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग MBBS और MD प्रोग्राम ईरान यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज नंबर्स जो आप स्क्रीन के ऊपर आप फाइंड कर लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद स्टडी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो भी आपका प्रोसेस होगा आपके उसके हवाले से, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं एडमिशन ईरान की, उसके हवाले से आपको कम्प्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।